नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि दीक्षा ऐप के माध्यम से सभी शिक्षकों को 30 जून से लेकर के 15 जुलाई तक दो और कोर्स कंप्लीट करने हैं, जिसमें सबसे पहला कोर्स है गणित के मुख्य कौशल, और इसमें जितने भाग हैं उन सारे भागों का मैंने इसमें अच्छा से सटीक उत्तर बताया है। इसलिए आप वीडियो शुरू से अंत तक देखें और सारे प्रश्नों का सही सही उत्तर दें, और सातवें जो भाग है उसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसे भी आप जरूर देखें। साथ ही यदि आपको दीक्षा पोर्टल के बारे में या इस प्रशिक्षण के बारे में कोई भी परेशानी होती है तो हमें ट्विटर पर फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, और वहाँ आप अपना समस्या लिखें, मैं समाधान करने का प्रयास करूँगा। और कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करें, मैं उसका जवाब बहुत जल्द दूंगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए देख लेते हैं गणित के मुख्य कौशल के सभी भागों का सटीक उत्तर। लेकिन इसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां से आपको शिक्षक संबंधी पल पल की सूचनाएं मिलती रहती है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं और देख लेते हैं। सबसे पहले भाग से हम लोग शुरू करते हैं, इसके प्रश्नोत्तरी को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आपके अनुसार अगर तीसरी से पांचवी कक्षा के बच्चे को इन दो भिन्न की संख्याओं को दिखाया जाए तो वह अधिकतर किस संख्या को बड़ा बताएंगे। तो देखिएगा कि जो पहली से पांचवी तक के बच्चे होते हैं वे बड़ी संख्या को ही बड़ा मान लेते हैं, अतः वह बी को बड़ा मानेंगे और इसको सबमिट करेंगे। ऐसे तो छोटा है लेकिन आप बी को ही बड़ा मानेंगे, क्योंकि बच्चे नहीं समझ पाते हैं और इसी को बड़ा करके वे आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए हम लोग बी को आंसर लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर तीन चित्र दिखाए जा रहे हैं, उनके सामने सही स्तर का नाम ड्रैग करके लगाएं। तो ड्रैग कीजिए, देखिए पहले जो दिया गया है यह मूर्त है, दूसरा निरूपण है और तीसरा अमूर्त है। आप इसको ड्रैग करके सामने कर दीजिएगा और सबमिट करके आगे बढ़िएगा। पहला मूर्त, दूसरा निरूपण, तीसरा क्या है, अमूर्त है। चलिए इसको सबमिट करते आगे बढ़ते हैं। अगला है, आपके अनुसार सुनीता जी ने ऐसा क्यों किया होगा। अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार सुनीता जी ने ऐसा क्यों किया होगा। ऑप्शन है, ताकि बच्चे ठोस अनुभव और चित्रों में संबंध बना पाए। अगला है, ताकि बच्चे बिना परेशानी के ठोस अनुभव से चित्रों के जरिए समझ दर्शाने तक पहुंचे। और तीसरा है, ताकि बच्चे आसानी से पहले से देखे चित्रों को बराबर हिस्सों में बांट सकें। तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो इसको आप क्या करेंगे, ए और बी पर टिक लगा करके सबमिट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए तो हम ए और बी पर टिक लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा सुनीता जी ने क्यों किया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा सुनीता जी ने क्यों किया। ऑप्शन है, सुनीता जी को भरोसा नहीं था कि सभी बच्चे भिन्न की अवधारणा के अमूर्त स्तर तक पहुंच चुके हैं। दूसरा, सुनीता जी चाहती थी कि बच्चे एक स्तर की समझ को दूसरे स्तर में आसानी से बदल सकें। और तीसरा, सुनीता जी की कक्षा के कुछ बच्चे अब भी ठोस अनुभव के स्तर पर थे, उनकी मदद करने के लिए सुनीता जी ने इन गतिविधियों को चुना था। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुनीता जी चाहती थी कि बच्चे एक स्तर की समझ को दूसरे स्तर में आसानी से बदल सकें। तो इस पर टिक लगाकर सबमिट करेंगे और आगे बढ़िए। तो चलिए मैं इस पर टिक लगाता हूं और सबमिट करके आगे बढ़ जाता हूं। तो आपका अगला क्वेश्चन आएगा, यहां गणित का मुख्य कौशल शुरू हो जाता है। इसका पहला क्वेश्चन है भाग टू का, अगर इस समस्या के लिए मैं पहले से ही सही तरीका सिखा देता और उसका अभ्यास ऐसे ही और सवालों से कराता तो इसका आप ही की समझ पर क्या प्रभाव पड़ता। ऑप्शन है, समस्या को हल करने का एक ही सही तरीका सीख पाते। दूसरा, समस्या का विश्लेषण करने, समस्या सुलझाने का खुद का तरीका सोचने, उस तरीका को आजमाने और सोचे समझे सही तरीके नतीजे पहुंचने का मौका मिल जाता। और तीसरा, साथियों के साथ चर्चा और वाद विवाद करते हुए साधा समाधान पहुंचने का अवसर मिल पाता। तो आपका ऑप्शन ए सही है, समस्या को हल करने का एक ही सही तरीका मिल पाता। अगला क्वेश्चन है,
आपके अनुसार समस्या समाधान तरीके से पढ़ाने से क्या फायदा होगा? ऑप्शन है, बच्चे समस्याओं से बेहतर जुड़ाव बना पाएंगे। दूसरा है, बच्चे सवालों को सुलझाने के अपने खुद के तरीकों सोच पाएंगे। और तीसरा, बच्चे गणित में शामिल प्रक्रियाओं व अवधारणाओं की बेहतर समझ बना पाएंगे। और चौथा, बच्चे को सवाल को हल करने के लिए अलग अलग तरीके समझने का मौका मिलता। तो यहाँ सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। तो सब पे टिक लाकर सबमिट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ टोटल ऑप्शन सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि कौन सी समस्या को हल करते समय बच्चे अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर पाएंगे? देखिए, यहाँ दो समस्या दिया गया है, पहली और दूसरी। आप देख लीजिए किसको हल करने के लिए अलग तरीका अपनाएंगे। तो यहाँ समस्या दो आपका आंसर होगा, इसको हल करते समय बच्चे अलग तरीका अपनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, समस्या कैसी हो, इसके कुछ आधार व खास बातें दी गई है। जो खास बातें एक अच्छी समस्या में होनी चाहिए उन्हें क्लिक करके चुने। तो यहाँ ऑप्शन बहुत सारा दिया है। देखिए, समस्या का स्तर बच्चों की मौजूदा समझ के हिसाब से होना चाहिए। दूसरा, समस्या बच्चों के लिए बिल्कुल आसान होनी चाहिए ताकि उन्हें ज़्यादा सोचना न पड़े। और तीसरा, समस्या में बच्चे जो गणित सीखने वाले हैं वे मुख्य आकर्षण होने चाहिए, न कि बाकी बातें। और तीसरा, समस्या में बच्चों को खुद से जवाब ढूंढने और उनके लिए तर्क देने का अवसर मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ देख लिए, ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 और 6 सही है। ठीक है, बाकी ऑप्शन पढ़ लेंगे। 1, 3, 4 और 6 सही है। इस पर टिक लगाकर आगे बढ़िए, तीसरा भाग चालू हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरे भाग का पहला क्वेश्चन है, आपके अनुसार 2/3 को किस किस तरह से दर्शाया जा सकता है? ऑप्शन है, भिन्न की तरह, अनुपात की तरह, दशमलव की तरह, जोड़ की तरह, घटाव की तरह। तो इसे सभी सही है, सब पे टिक लगा करके सबमिट करें। सबमिट करेंगे तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर 4 × 3 = c के बराबर है तो 6 + 6 = c के बराबर है, तो इनमें से कौन से निष्कर्ष सही हैं? तो देखिए, 4 × 3 = 6 + 6, दूसरा है 4 × 3 ≠ 6 + 6, 4 × 3 > 6 + 6, या 4 × 3 < 6 + 6। तो इन दोनों को आप ध्यान से देखिए। तो ये जो है 4 × 3 = 6 + 6 लगभग बराबर हैं, 4 × 3 = 12, 6 × 6 = 12, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ए पर टिक लगाकर। अब यह दिया, भाग, जमा, स्थानीय मान, संख्या समझ, क्षेत्रफल, आयतन, प्रतिशत और या गुना। तो इसमें आपको ढूंढना है, ठीक है, इसमें आपको ढूंढना है। तो सब के सब क्या है, यह एक प्रक्रिया है। तो सब सही है, और यह सब क्या होता है, गुना जो है सब में लागू होता है। तो सब पे टिक लगाकर आप सबमिट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चौथा भाग आपके सामने आ जाएगा, यह है तर्क के साथ सोचना। तो इसका पहला प्रश्न है, आपके अनुसार मैंने राहुल और गीत का उदाहरण पूरी कक्षा के साथ क्यों साझा किया होगा? ऑप्शन है, ताकि बच्चे पैटर्न के अलग अलग आधार के बारे में सोचे व तर्क वितर्क करें। दूसरा, ताकि बाकी बच्चे राहुल जैसे जो गलती की उसे ना दोहराएं। और तीसरा, ताकि बच्चे पैटर्न के अलग अलग उदाहरण देखें और समझें। तो आपका ऑप्शन ए सही है, ताकि बच्चे पैटर्न के अलग अलग आधार के बारे में सोचे और तर्क वितर्क करें। ऑप्शन ए सही है। अगला है, कक्षा के उदाहरण में गीत और राहुल को एक दूसरे के पैटर्न पर काम करने के लिए भी कहा गया। आपके हिसाब से बच्चे को एक दूसरे के पैटर्न पर काम करने को क्यों कहा होगा? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, इससे बच्चे एक दूसरे के पैटर्न में गलतियाँ खोज पाएंगे। दूसरा, इसे आसानी से पैटर्न को की अवधारणा को पढ़ाया जा सके। और तीसरा, इससे बच्चे अलग अलग तरह के पैटर्न का अवलोकन कर पाएंगे। तो आपका ऑप्शन सी सही है, इसे सही करके सबमिट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन आएगा आपके सामने। अगला है, आपके अनुसार मैंने बच्चे से किस तरह के सवाल पूछे थे? तो यह बहुत सारा सवाल दिए गए हैं, गीत तुमने कैसे बनाया। अगला है, गीत ने पैटर्न कैसे बनाया था। राहुल, तुमने इस पैटर्न को कैसे आगे बढ़ाया। अगला है, क्या राहुल ने जिस तरीके से पैटर्न को आगे बढ़ाया वह गलत है, आपको क्या लगता है? तो यहाँ ऑप्शन बहुत सारे दिए गए हैं, इन ऑप्शनों को आप पढ़ लेंगे। देखिए, पहला ऑप्शन है, सवालों के जवाब हाँ या नहीं में ही दिए जा सकते हैं। दूसरा है, सवालों के अलग अलग जवाब हो सकते हैं। तीसरा, सवाल बच्चों को हल से ज़्यादा प्रक्रिया पर विचार करने का मौका दे रहे थे।
चौथा सवाल बच्चों को समझने, अपने शब्दों में विचार विस्तार से बताने और अपने तर्क साबित करने का मौका दे रहे थे। तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, बी सी तथा डी सही है। ठीक है, बी सी और डी पर आप टिक लगाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आ गया, आपके अनुसार मैंने पैटर्न में समानता और असमानता खोजने जैसे सवाल क्यों पूछे होंगे। इसमें कहते हैं समानता और असमानता खोजने से सवाल क्यों पूछे होंगे। ऑप्शन है, ताकि बच्चे खुद पैटर्न के ढांचे पर विचार करके उनकी सामान्य नियम को खोज पाएं। दूसरा है, ताकि बच्चे दोहराए जाने वाले पैटर्न और बढ़ते हुए पैटर्न में फर्क कर पाएं। तो यहाँ ऑप्शन ए ही सही है, ताकि बच्चे खुद पैटर्न के ढांचे पर विचार करके उनके सामान्य नियम को खोज पाएं, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो इस पर टिक लगाकर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी अवधारणा से संबंधित दो गतिविधि दी गई है, हर जोड़े में उन गतिविधि पर क्लिक करके जो आपके हिसाब से तार्किक सोच बढ़ाने में मदद करेगी, एंड जो मदद करेगी उस पर क्लिक करना है। अवधारणा भाग गतिविधि, अवधारणा गुणा गतिविधि है। पहला है मानक कलन विधि सिखाना, अलग अलग चीजों देकर उन्हें बताने बताए गए बराबर समय में बांटना और बांटने के आधार को साझा करना। दूसरा, गुना की मानक कलन विधि सिखाना और गुना के मानक और खुद के सोच तरीके में तुलना करने को कहना। तो यहाँ ऑप्शन बी और इसका भी ऑप्शन बी सही है, दोनों पर टिक लगाकर सबमिट करेंगे आगे बढ़ेंगे। पांचवा भाग आ गया, गणित में बातचीत। इसका पहला क्वेश्चन है, समूह में हो रही बच्चों की बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा। ऑप्शन है, बच्चे अपनी सोच बिना डर के एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं। दूसरा, समस्या कैसे सुलझाई जाए सोचने की जगह बच्चे सीधा हल निकालना शुरू कर रहे हैं। तीसरा, बच्चे एक दूसरे के सवाल जवाब पर एक दूसरे की सोच समझने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा, बच्चे बोलते हुए अपनी सोच और विचार कर गलती का एहसास कर पा रहे हैं। और अंतिम है, बच्चे मिलजुल कर सोच विचार का समस्या हल निकाल रहे हैं। तो यहाँ बी छोड़कर बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। तो बी छोड़कर सभी पर टिक लगाइए और आगे बढ़ते हैं सबमिट करके। चलिए सबमिट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा। ऑप्शन है, बच्चे के सवालों को प्रोत्साहित किया जा रहा था, बच्चों की सोच को बेहतर बनाने के लिए सवाल पूछे जा रहे थे, बच्चे तर्क वितर्क कर अपनी सोच साझा कर रहे थे, बच्चे गणितीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, बच्चे एक दूसरे के तरीकों से सहमत नहीं थे। तो इस सारे ऑप्शन पर देखिए और विचार कीजिए। तो इसमें देख लीजिए, ऑप्शन ए बी सी तथा डी चारों ऑप्शन सही है और पांचवा गलत है। तो चारों पर टिक लगाकर सबमिट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम सबमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि दोनों बच्चों में से किस बच्चे को क्रम विनिमय नियम समझ आया था, पहले बच्चे को दूसरे बच्चे को। यानी आप जो पढ़े होंगे तो उसे पता चला होगा, तो यहां दूसरे बच्चे को समझ में आ गया था। तो इसको सबमिट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। अगला क्वेश्चन है, 15 जमा 12 आप किन तरीकों से बता सकते हैं। आपके हिसाब से इस सवाल के क्या संभव जवाब हो सकते हैं। ऑप्शन है, बोलकर, शब्दों में लिखकर, चिन्हों और संख्याओं से लिखकर, ठोस चीजों को साथ रखकर या चित्र बनाकर। तो इसे सब के सब ऑप्शन सही हैं। सब पे टिक लगाइए और सबमिट करके आगे बढ़ जाइए। चलिए सब पर टिक लगाते हैं और सबमिट करके आगे बढ़ते हैं। आपके सामने छठा भाग आएगा। छठा है दृश्यकरण और निरूपण। पहला क्वेश्चन है, जो विकल्प आपके दिमाग में बनी छवि के सबसे करीब है उन पर क्लिक करके जवाब दें। जैसे 2 × 5 है, 5 + 5 है, 5/4 है, तो बहुत सारा दिया गया है। तो इसमें सबके सब ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो सब पे टिक लगाइए और सबमिट कीजिए और आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो विकल्प चित्र को या सवाल को दर्शा रहे हैं ड्रैग करके उनका मिलान करें। तो मिलान कीजिएगा, तो देखिए यह पहले में आ जाएगा और यह दूसरे में आएगा। 2×5 ड्रैग करते हैं और इसको सबमिट करके आगे बढ़ जाएंगे। चलिए सबमिट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार स्टीवर्ड के सवाल को 10 के खांचे की मदद से दर्शाने को का क्यों फायदा हुआ। बच्चे को सवाल को अपने दिमाग में समझने में मदद मिलेगी। दूसरा ऑप्शन है, बच्चे सवाल के जवाब निकालने के तरीके समझ पाएंगे। तीसरा, बच्चे को जवाब साफ साफ खांचों में नजर आ रहा था, बच्चे सवाल में शामिल संख्याओं को 10 की समझ में जोड़ पाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन ए बी तथा डी सही है, सी गलत है। तो ए बी और डी पर सही लगाइए और टिक लगाकर आगे बढ़ते हैं, सबमिट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा,
अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार स्टीवर्ड ने बच्चों को अपने तरीके सबके साथ साझा करने को क्यों कहा होगा? ऑप्शन है, ताकि बच्चे नए तरीके समझ सकें, ताकि बच्चे अपनी समझ को समझ सकें, ताकि पता चल सके कि बच्चे सही सोच रहे हैं या नहीं, ताकि बच्चे की गलती को पकड़ा जा सके। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए बी और सी सही है। सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो यह भाग आपका खत्म हो जाएगा। इस प्रकार का गणित के मुख्य कौशल का 6 भाग आपका खत्म हो गया। फिर सातवें भाग को मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक साथियों।